हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी क्रिसमस स्पेशल सेंटा केक लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। केक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप दही। इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। अच्छी तरह से फिट गया है तो अब हम डाल देंगे 1/3 कप ऑयल। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर एकदम लम्स फ्री होना चाहिए। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, आप चाहें तो अपने मनपसंद फ्लेवर का एसेंस डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब एक स्ट्रेनर ले लेते हैं और मैं यहाँ पर 1.5 कप मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं 3 लेयर का केक बना रही हूँ। आप चाहें तो 2 लेयर का बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर 1 कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छी तरह से हम इसे छान लेते हैं। यहाँ पर मैं प्लेन केक ले रही हूँ, वेनिला केक। आप चाहें तो चॉकलेटी केक बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप कोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला हमको बैटर बना लेना है। तो ये देखिए, अभी ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसमें हम 1 कप के लगभग दूध का इस्तेमाल हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो फिर ये ज़्यादा ढीला हो जाएगा तो केक अच्छा नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध इसमें मिक्स करते जाना है और इसको अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा ओवर बीटिंग नहीं करना है। ओवर बीट करने से केक क्रेक हो जाता है और उतना अच्छा नहीं बनता है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे मिक्स करते जाइए और थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर पर दूध हमें इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, मिक्स होता जा रहा है और थोड़ा थोड़ा हम इसमें दूध डालते जा रहे हैं। तो अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं केक की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का हो गया है, बिल्कुल इसी तरह का हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बस अब हम इसमें दूध नहीं डालेंगे और 1 कप के लगभग इसमें दूध का इस्तेमाल हो गया। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो जिस भी टिन में हम इसे बेक करना है, तो हम इसको ग्रीस कर लेते हैं ऑयल में। आप चाहें तो बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम इसमें डाल देते हैं हमारे केक बैटर को और आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरह से केक बहुत ही फ्लफी, स्पंजी और बहुत ही मॉइस्ट बनता है। तो इसे टैप कर लेते हैं। अब हम इसे कढ़ाई पर ही बनाएंगे, तो कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं हाई फ्लेम पर। 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। अब ये अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और केक टिन रख देते हैं इसमें हम, और इसको 30 से 35 मिनट लग जाते हैं बेक होने में। तो बिल्कुल 30 मिनट टच नहीं करना है हमें इसे। 35 मिनट के बाद आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छी तरह से फूल गया है और टिन एकदम फुल हो गया है। तो ये देखिए, टूथपिक भी एकदम क्लीन आ रही है। तो इसे हम कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में और विप क्रीम तैयार कर लेते हैं हम। विप क्रीम बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप क्रीम। 1/2 कप क्रीम का इस्तेमाल मैंने फिर बाद में और किया था, तो आप पहले 1 कप ही करें। फ्लेवर के लिए मैं वनीला एसेंस डाल देती हूँ 1 टीस्पून। 1/2 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है। अब इसे एक विस्कर से अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। क्रीम को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे और फिर हम इसमें अपने मनपसंद कलर से इसको अलग अलग भाग में कर लेंगे। तो ये देखिए, केक की क्रीम बहुत ही अच्छी तरह से फिट चुकी है। जब केक की क्रीम अच्छी तरह से फिट जाती है, तो आप इसको पलटेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी निकलेगी नहीं, गिरेगी नहीं। तो इस तरह से चेक करके और आप अपनी क्रीम को बना लीजिए। घर पर ही क्रीम बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इजी भी पड़ती है। तो ये देखिए, हमारी विप क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं इसे डिवाइड कर ले रही हूँ और अपने मनचाहे कलर में इसमें डालती जाऊँगी। तो आप भी इसी तरह से अलग अलग कलर में बना सकते हैं। केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं, जब केक अच्छी तरह से बेक होता है ना, तो ये अपने एजेस अपने आप ही छोड़ देता है। तो इसे पलट कर देख लेते हैं और ये इजीली निकल जाएगा बिना किसी बटर पेपर की मदद के, हमने इसे बना लिया है। तो केक को बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए और आप इसकी स्पंजीनेस देख सकते हैं, ये कितना मॉइस्ट और कितना स्पंजी बना हुआ है। तो मैं इसे 3 लेयर में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 लेयर में भी बना सकते हैं, और या फिर आप अलग अलग टिन में भी 2 केक बनाकर 2 लेयर से 4 लेयर बना सकते हैं।
तो अपने मनपसंद लेयर में आप बना सकते हैं, तो इन्हें अलग अलग कर देते हैं और आप देख सकते हैं इसमें कितनी सुंदर जालियां पड़ी हैं, कितना स्पंजी बना हुआ है ये केक, और ये बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाला है। तो ये मैंने इसे दो लेयर में कट कर लिया है और इसे अलग अलग रख देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी शुगर सिरप। तो मैंने पिसी हुई चीनी में 2 चम्मच चीनी में पानी डाल दिया है 1/2 कप। तो शुगर सिरप बन गया है और केक बहुत मॉइस्ट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर आपका केक का जो बेस है वो सख्त हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सा डाल लीजिएगा, और यदि अगर आप स्पंजी है सॉफ्ट है तो कम इस्तेमाल करिएगा। तो अब हम इसमें लगा देते हैं हमारी विप क्रीम। तो अभी मैंने इसमें व्हाइट वाला ही लगाया, सारा बेस हम व्हाइट से ही बनाएंगे। तो ये देखिए, और इसके ऊपर हम हमारा दूसरा बेस भी लगा देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी क्रश, पाइनएप्पल क्रश या फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं एकदम सिंपल सा बता रही हूँ जिससे आप इसको आसानी से बना लें। तो ये देखिए, दूसरा लेयर भी हमने रख दिया है और इसमें भी सेम प्रोसेस हमें करना है। शुगर सिरप लगाना है और फिर विप क्रीम लगाना है। विप क्रीम को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और स्पैचुला से ही हम इसको बना रहे हैं। ये देखिए, तो घर में रखी चीज़ों से भी हम बहुत अच्छी चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस केक को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम हमारा तीसरा लेयर भी लगा देते हैं और उसे भी उसी तरह से शुगर सिरप लगा कर अच्छी तरह से कोट कर देंगे। कढ़ाई पर ही बहुत ही स्पंजी केक हमारा बन गया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव हो तो 180 डिग्री पर प्री हीट करके और फिर आप केक को 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। टेम्परेचर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अलग अलग माइक्रोवेव का अलग अलग टेम्परेचर रहता है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से कोट कर देते हैं। फाइनली आपका केक बेस तैयार है, तो आप इसमें अपनी मनचाही डेकोरेशन कर सकते हैं। ये लीजिए, इसे अच्छी तरह से हम कोट कर देंगे और इसमें एक फाइनल फिनिश दे देंगे। तो वाइट से पूरी अच्छी तरह से लेयर हो चुकी है। अब हम इसमें स्किन कलर लगा देते हैं। आपके पास स्किन कलर ना हो तो आप वाइट कलर में थोड़ा सा पिंक कलर ऐड कर दीजिए, तो ये एकदम स्किन कलर जैसे दिखने लगेगा। बहुत ज़्यादा कलर ऐड ना करें, नहीं तो फिर ये पिंक हो जाएगा। तो इससे भी हम अच्छी तरह से कोट कर देंगे क्योंकि स्किन बनाना बहुत ज़रूरी है सेंटा की। तो यहाँ पर मैंने विप क्रीम में थोड़ा सा पिंक कलर ऐड कर दिया था, तो इसको अच्छी तरह से फाइनल फिनिश टच दे देंगे हम। तो अच्छी तरह से विप क्रीम लग चुकी है, तो एक नाइफ की मदद से आप पहले से सीधे काट लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा ट्रायंगल में, तो ये सेंटा की जो कैप होती है ना उसका लुक बन जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर स्टार नोजल लिया है छोटा वाला, और ये मैंने रेड कलर इसमें डाला हुआ है, कलर रेड कर दिया है मैंने यहाँ पर। और छोटा 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 हम इसमें ये देखिए फ्लावर बनाना है इस तरह से, और जो हमने कट किया है इसमें पूरे में फिल कर देना है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप ये देखिए, अगर आप पहली बार बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब बनकर निकलेगा ना ये, तो देखकर ही आपको इसको इतनी खुशी होने वाली है। तो ये देखिए, छोटे 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 फ्लावर बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे नहीं कर देना है। तो इस तरह से हम सारे में फ्लावर बना लेंगे। साइड में भी हम इसी तरह से कर लेंगे, जो सांता का साइड होता है ना उसमें भी हम इसी तरह से कर लेंगे। छोटे छोटे फ्लावर ही बनाना है हमें। तो सांता की जो कैप है वो बन गई है, अब हम उसकी जो साइड है उसमें भी इसी तरह से कर लेंगे। साइड में भी हम इसी तरह से छोटे छोटे फ्लावर बना के इसको फिल कर लेंगे। तो साइड का पूरा हो गया है, अब हम इसकी दाढ़ी बना लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, स्टार नोजल हमने लिया है यहाँ पर, एक स्टार नोजल हमने छोटा वाला इस्तेमाल किया है और दूसरा वाला स्टार नोजल थोड़ा सा उससे बड़ा वाला है, ये देखिए। तो ये इसकी दाढ़ी बन जाएगी और इसकी जो साइड्स है ना उसमें भी हम
छोटे छोटे फ्लावर इस तरह से बना लेंगे जिस तरह से हमने कैप में इस्तेमाल किए हैं, और ये इसकी जो नीचे की वो होती है ना कैप के नीचे, बस वही बनाया है मैंने। और अब छोटे छोटे फ्लावर हम इसके साइड बाई साइड बना देंगे और इसे ही पूरा फाइनल कर देंगे नीचे की जो बेस है। तो ये पूरा सेंटा का जो फेस होता है वो कम्प्लीटली बन जाएगा। तो छोटे छोटे फ्लावर ही बनाने हैं, इससे ही इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, तो इसी तरह से हम इसमें सारे में कर देंगे। तो सारी फिनिशिंग हो गई है, अब हम इसकी नोज़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेड का ही इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा इसमें वाइट टच कर दूंगी। ये देखिए, तो नोज़ इसकी बन गई है। और आइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर चॉकलेट वाला डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप व्हिप क्रीम में ही चॉकलेट सिरप डालकर उसको चॉकलेटी बना सकते हैं, या फिर जिस तरह से बनाना चाहें आप चॉकलेट चिप्स लगा सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर ये चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, इसकी आइज़ भी बन गई और ये देखने में कितना क्यूट दिख रहा है। और अब इसकी हम बना लेते हैं मूछें, क्योंकि सेंटा की मूछें भी होती हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा सेंटा। तो आप अपना मनचाहा और भी वेरिएशन इसमें कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा सेंटा बनकर तैयार हो गया है। तो लीजिए, आप भी इसे बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको बहुत ही टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहेंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब वाली बटन दबा लीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।